हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिट लाइफ। मैं अंश प्रधान, आपका होस्ट एंड दोस्त। आज हम आए हैं जानकीपुरम एक्सटेंशन में, काफ़ी बेहतरीन प्रॉपर्टी लेके। 6 BHK होने वाला है, काफ़ी मैसिव प्रॉपर्टी। इनकी को दिखाएं कितनी लंबी प्रॉपर्टी होने वाली है, अगर आप थोड़ा सा बैक करके दिखा पाएँ। अब देख, काफ़ी लंबी प्रॉपर्टी है, 6 BHK, सारे रूम्स बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से बने हुए हैं। और इस टूर पे हमारे साथ हैं, मैं हूँ श्वेता मानुष, के साथ इस टूर पे आपकी कंप्लीट गाइडिंग देने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इस प्रॉपर्टी में हमें क्या क्या मिलता है। तो श्वेता जी, यहाँ पे क्या क्या लोकेलिटी है आसपास, हमें क्या क्या मिलता है? जी, अगर हम बात करें 1 से 1.5 किलोमीटर में आपको क्या क्या मिल जाता है, तो अगर हम बेसिकली इस लोकेशन की बात करें कि किस नाम से जाना जाता है, तो है आपका सीता विहार कॉलोनी, गोमती नगर एक्सटेंशन में। 1 से 1.5 किलोमीटर में आपको मिल जाता है सेंट मैरी हॉस्पिटल, आपका गुडम्बा थाना, प्लस आपका अवध लॉन, आपका अवध पेट्रोल पम्प और आपकी नहर रोड, ये सब आपको 1 से 1.5 किलोमीटर के रेंज में मिल जाता है। अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें, तो हमारे सामने आप देख सकते हैं आपको अप्रॉक्स 25 से 30 फीट की रोड मिल जाती है, जिसमें ऑलरेडी आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे रॉ हाउसेस बन रहे हैं, लोग ऑलरेडी रह रहे हैं। हमारे सामने वाला घर भी आप दिखा सकते हैं जिसमें ऑलरेडी फैमिलीज रह रही हैं। साथ में आपको समरसेबल की सुविधा मिलती है, लाइटिंग आपको पूरे घर में मिल जाती है, ड्रेनेज की सुविधा, ये सारी सुविधाएं ऑलरेडी आपको मिलने वाली है। एंट्री करते हुए आपको अच्छा खासा पॉश एरिया मिल जाता है, इसमें आप मेरे हिसाब से आई थिंक आपकी सारी हैचबैक आराम से पार्क हो जाएगी, साथ में थोड़ा आपकी स्कूटी वगैरह की भी स्पेस बच जाएगी। एंट्री करते अगर आप ऊपर देखेंगे, आपके पॉश एरिया में आपको फॉल सीलिंग दी गई है, साथ में आपको फॉल सीलिंग लाइट सारे आप देख सकते हैं। आई थिंक काउंट करूँ तो आई थिंक 10 से 12 आपको फॉल सीलिंग लाइट्स दी गई हैं, साथ में आपको हैवर्स के फैन भी लगाकर दिए जा रहे हैं। राइट हैंड साइड पर हमारा ड्रॉइंग रूम है, आइए आपको ड्रॉइंग रूम की तरफ हम ले कर चलते हैं। पूरे घर में आपको क्रीम एंड ब्राउन कलर की फिनिशिंग पर वर्क देखने को मिलेगा। आप ऊपर देखिए फॉल सीलिंग, मैंने अभी तक जितने भी हाउसेस कवर किए उसमें ये पहला ऐसा था जिसका इंटीरियर इतना सुंदर मुझे दिखा है। ऊपर आप फॉल सीलिंग देख सकते हैं, जिसमें अगेन आपको वॉलपेपर भी लगा कर दिया जा रहा है, साथ में हैवल्स के, जैसे मैंने बोला है हैवल्स के फैन आपको पूरे घर में मिलने वाले हैं ऑलरेडी। सामने आपको अच्छी खासी विंडो मिल जाती है, जिसमें अगेन आपके एंटी मॉस्किटो डोर्स भी लगा कर दिए जा रहे हैं। लाइटिंग की अगर हम बात करें, तो नॉर्मल आपको दिन में अच्छी खासी रोशनी आपके ड्राइंग रूम में आ जाएगी। अगर हम स्विचेस की बात करें, तो आपको एंकर की स्विचेस दिए जा रहे हैं, साथ में आपका ड्राइंग रूम से लगा हुआ आपको बाथरूम दिया जा रहा है, जिसमें हम आप देख सकते हैं ब्राउन कलर की काफ़ी सुंदर आपको टाइल्स दी गई हैं, साथ में आपकी जैगवार की फिटिंग्स दी गई हैं। आई थिंक इसमें 5 से 7 ईयर्स की आपको वारंटी मिलने वाली है। पूरे घर में आपको जो वॉल्स है उसमें आपको PVC पैनल लगा कर दिए जा रहे हैं, साथ में मैं थोड़ा सा मिस कर गई थी, आप देख सकते हैं आपका वॉलपेपर कितना सुंदर आपको गोल्डन ब्राउन के फिनिश पर आपको वॉलपेपर लगा कर दिया जा रहा है। इंटीरियर की अगर मैं बात करूं, तो आपको आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करवाना पड़ेगा, आप रेडी टू मूव हाउस है, आप आ सकते हैं और आज ही रहना शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको लेकर चलते हैं हम किचन की तरफ। मॉडलर किचन दिया गया है,
कबर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको इनफ आई थिंक स्पेस दी जा रही है, जितना आपको कबर्ड्स वगैरह की ज़रूरत होती है रसोई में वो सारी स्पेस आपको दी गई। साथ में आपको सिंक भी लगा कर दिया जा रहा है। जितने भी यहाँ पर डोर्स यूज़ करे गए हैं, अगर मैं यहाँ ऊपर दिखाऊँ आपको, जितने भी यहाँ वार्डरोब्स के डोर है ये सब हाइड्रोलिक है। आप इसे ऐसे खुला भी छोड़ देंगे तब भी वो आराम से बंद हो जाने वाले हैं। साथ में आपको यहाँ सनफ्लेम की चिमनी लगा कर दी जा रही है। अगर हम आपको पहला आपका बेडरूम की तरफ लेकर चलें, अगर हमने बताया आपको 6 BHK की प्रॉपर्टी होने वाली है, पहला जो आपका बेडरूम, जो आपका पहला मास्टर बेडरूम दिया गया है, इसमें अगेन आपको देख सकते हैं PVC पैनल्स आपके सारे रूम्स में यूज़ करे गए हैं। साथ में अगर आप मेरे बैक साइड का वॉलपेपर देखेंगे, जो आपको पीकॉक प्रिंट का आपको वॉलपेपर यूज़ किया गया है, वो आपके बेडरूम में कहते हैं कि चार चांद लगा देते हैं, वैसा सीन है यहाँ पर। साथ में फॉल सीलिंग लाइट्स आपको पूरे घर में देखने को मिलेगी। हैवल्स के फ़ैन और एंकर की स्विचेस दिए गए हैं। अगर मैं आपको टाइल्स की बात करूँ, नीचे दिखाया जाए तो आपको टाइल्स रुद्राक्ष और कजारिया की आपकी टाइल्स यूज़ करी गई हैं। रूम से लगा हुआ आपको थोड़ा सा एरिया दिया गया, आई थिंक इसको आप वेंटिलेशन एरिया नहीं, आपके जैसे वॉशिंग मशीन या आप इसको चेंजिंग रूम की तरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपको बेडरूम से लगा हुआ बाथरूम दिया गया है। आप बाथरूम में टाइल्स देख सकते हैं 3D प्रिंट्स पे, ब्लैक वाइट में टाइल्स यूज़ करी गई हैं, काफ़ी सुंदर है। अगेन इसमें भी आपके जैगवार की फिटिंग्स यूज़ करी गई हैं, जैगवार सेरा की फिटिंग्स यूज़ करी गई हैं। साथ में आपका थोड़ा सा स्पेस दिया गया है। स्टोर रूम तो मैं इसको नहीं कह सकती हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपका स्टोर रूम बना हुआ है, आई थिंक इसको स्पेस छोड़ दिया गया, आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हैं जैसा भी आपको ठीक लगे। मैं मंदिर के लिए नहीं कहूँगी क्योंकि सामने आपका बाथरूम है, तो बाथरूम के जस्ट सामने मंदिर बनाना इज नॉट लाइक गुड आइडिया। साथ में आपको सेकेंड आपका जो बेडरूम है उस तरफ लेकर चलते हैं। ये आपका दूसरा मास्टर बेडरूम है। फॉल सीलिंग दी गई है, अगेन फॉल सीलिंग पे आपके वॉलपेपर्स लगाए गए हैं, ऊपर दिखाया जाए अंकित जी को। यहाँ भी सेम जैसा आपका ड्राइंग रूम में वॉलपेपर था, सेम वॉलपेपर आपका यहाँ भी यूज किया गया है। बाहर आपको लेकर चलते हैं हम, दिखा देते हैं बहुत ही रेयर ऐसे मैंने रो हाउस शूट करे हैं जिसमें आपका अलग से स्टोर रूम दिया गया हो। यहाँ आपको अलग से एक स्टोर रूम दिया गया है, इनफ स्पेस है आपके स्टोर रूम में। आप चाहे तो इसे स्टोर रूम ना यूज़ करके, आई थिंक आप उधर जो हमने देख रखा था उसको आप स्टोर रूम बना सकती हैं। इसको आप अपना मंदिर के लिए आराम से यूज़ कर सकती हैं। सेपरेट स्पेस चाहिए होता है हर हिंदू घर में आपको मंदिर के लिए, तो ये आपका मंदिर के लिए स्पेस ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ अगर मैं डोर्स की बात करूँ, आपको ब्राउन कलर की फिनिशिंग पे डोर्स मिल जाएंगे। और एक चीज़ जो हमने मिस कर दी थी वो ये थी कि यहाँ आपको किचन में भी फॉल सीलिंग दी जा रही है। अगेन फॉल सीलिंग पे आपके ब्राउन कलर के वॉलपेपर्स लगा करके, प्लस किचन में आप काम कर रही हैं और पसीना आ रहा है गर्मी में, तो उसके लिए आपको फ़ैन भी लगा कर दिया जा रहा है। आपको ऊपर लेकर चलते हैं सेकेंड फ्लोर की तरफ। सीढ़ियों पे आपके ग्रेनाइट यूज़ करी गई, प्लस आपके प्रीमियम क्वालिटी की रेलिंग्स भी यूज़ करी गई हैं। और साथ में जब आप ऊपर आते हैं आपको मिलते हैं अनुज प्रधान इस प्रॉपर्टी में, नहीं मिलेंगे आप खरीदेंगे तो। ऊपर आती हमें एंट्री करते एक बड़ा सा किचन हमें मिल जाता है, देख सकते काफ़ी वाइड और काफ़ी बड़ा किचन होने वाला है। हमें दोनों फ्लोर में एक किचन का ऑप्शन मिलता है। इस फ्लोर पे 3 रूम हैं, ये फ्लोर 3 BHK है, तो देखिए काफ़ी अच्छी से ऑप्टिमाइज किया गया इस प्रॉपर्टी को। इनफैक्ट अंकित जी आप थोड़ा ऊपर दिखाएंगे तो किचन में यहाँ पे ऊपर भी किचन आपको फॉर्सलिंग मिलते हैं। इनफैक्ट जो फॉर्सलिंग में लाइट्स यूज़ की गई हैं,
सारी लाइट्स फिलिप्स कंपनी की हैं, तो ऑलरेडी ब्रांड को काफ़ी इन्होंने हाई पे रखा है। साथ में आप इधर आएंगे, एक बार बड़ा सा हॉल मिलता है, लिटरली काफ़ी बड़ा हॉल मिलता है। साथ में मैं चाहूँगा थोड़ा गेट पे फोकस करें। गेट पे यहाँ पे गोदरेज की आपकी डोर लॉक्स लगाई गई हैं, जो रोलेबल डोर लॉक्स होती हैं, तो गोदरेज में यूज़ की है, तो क्वालिटी अच्छी मिलने वाली है। साथ में आप हॉल अगर जब पीछे हो जाए, जितनी पीछे हो सकते हैं, मेरा आप हॉल दिखना चाहिए, कितना बड़ा हॉल मिल रहा है। हाँ, बीच में गेट था, इतनी मैसिव हॉल, इतना बड़ा हॉल एरिया हमें मिलता है इस प्रॉपर्टी के साथ। अभी से काफ़ी अच्छी, काफ़ी मैसिव हॉल एरिया हमें मिल रही है। साथ में बहुत मैसिव फ्लोर सीलिंग हमें मिल रही है, कि प्लीज थोड़ा एज टू एज हमें अच्छी मैसिव फ्लोर सीलिंग मिलती है। सारे फ्लोर सीलिंग में हमें वॉलपेपर के साथ मिलता है, सिंपल कलर की फ्लोर सीलिंग। साथ में हमें हॉल में ओटीएस मिलता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वेंटिलेशन स्पेस दिया गया है, थोड़ा सा साइड से दिखा दीजिए ओटीएस की। साथ में हमें हॉल में अभी फोटो भी शूट होगी, ओटीएस से जस्ट सटी हुई हमें मिलती है स्टोर एरिया। ये भी काफी बड़ी मीटिंग है, जो कि अच्छी खासी स्टोर एरिया आप देख सकते हैं, एक डिसेंट साइज की आप कैपेसिटी यहाँ पे प्रोडक्ट अपने सामान रख सकते हैं, काफी दूर पड़ जाते हैं, मुझे अभी नाम नहीं याद है, मिट्टी चौराहा पड़ता है यहाँ से 25-30 किलोमीटर। साथ हम आगे बढ़े वहां जाने, तो वहां जाने ऑलरेडी, तो हमें मिलता है यहीं पे हॉल में 10 मिनट लगेगा बस। वॉशरूम अगेन डिसेंट साइज की है। फिटिंग की बात करें तो सारे वॉशरूम में जैगवार की फिटिंग, सारी फिटिंग आपको जैगवार में मिल सकती है, क्योंकि शायद फोकस में है, नाम दिख रहा है, ठीक है। साथ में हमें अच्छी खासी जैगवार की सिंपल डिज़ाइन में हमें कोवर्ड मिलता है, वॉश बेसिन आप जैगवार देख सकते हैं, वॉश बेसिन भी हमें जैगवार, मतलब जितनी वॉशरूम फिटिंग सब जैगवार की मिल रही है। और टाइल्स भाई काफ़ी डिसेंट है, मतलब इस घर ना काफ़ी यूनिक वे में डिज़ाइन किया गया है। इधर मैं बहुत कम ये किसी प्रॉपर्टी के लिए बोलता हूँ, बट काफ़ी यूनिकली डिज़ाइन ये होम है, मतलब यूटिलाइजेशन है। अगर आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी पे, तो आई थिंक उसका वर्थ रखता है ये प्रॉपर्टी। ये प्लीज साथ ना जी, तो वीडियो कॉल नंबर नहीं खींचते हुए हम आगे बढ़ते हैं दूसरे रूम की तरफ। अंकित जी ना जी, एक हमें इधर रूम मिल जाता है, अगेन काफी नॉर्मल साइज का रूम है, डिसेंट स्पेस है आप देख सकते हैं, और रूम में हमें मिलता है पीवीसी पैनल। जी रूम में पीवीसी पैनल्स यूज की गई, मतलब काफी डिसेंट वे में डिजाइन की कोशिश की गई है, और रूम से अटैच है हमारी बालकनी। हाँ बालकनी तो है, अगे थोड़ा बालकनी आप आ सकते हैं, ज़्यादा ही नहीं, अभी बालकनी में रेलिंग नहीं लगी, बट आप जब लेंगे तो आपको रेलिंग के साथ बालकनी मिलेगा, ऐसे नेकेड बालकनी नहीं मिलेगा। जब भी लेंगे आपको यहाँ पे प्रॉपर रेलिंग मिलेगी, आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी पतली बालकनी है, अप्रॉक्स 2 फीट की बालकनी है, बट लंबाई काफ़ी अच्छा खासा है। और यही बालकनी हमें कनेक्ट करता है दूसरे रूम से भी, मैं आपको दूसरा रूम उधर से भी दिखाऊँगा, हम इधर से भी देखते हैं। आ जाएंगे जी दूसरे रूम में, ये बालकनी से अटैच हमें दूसरा रूम मिलता है, अगेन इसमें पोर्सिलिंग यूज़ की है, प्रॉपर पोर्सिलिंग है, सारे वॉल पे पैनल्स यूज़ किए गए हैं, और इसमें जो वॉशरूम बन रहा है, इतना बड़ा वॉशरूम यू कांट इमेजिन, प्लीज रख के जाइए। काफ़ी लंबी हमें वॉशरूम मिल जाती है यहाँ पे, जबकि अभी तक हमने बहुत से प्रॉपर्टी लिस्ट किए, हमारे इतनी बड़ी वॉशरूम किसी प्रॉपर्टी में आपको नहीं मिली होगी। इस प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी बेहतरीन वॉशरूम हमें मिलती है, अगेन 2-in-1 होना है, वॉशरूम प्लस आपका बाथरूम भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। फिटिंग्स आप जब भी मिलेंगे आपको फिटिंग्स लगा के मिलेंगी प्रॉपर्टी में। हम अब ऊपर चलते हैं अंकित जी, रूफ पे हमें क्या क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं। एरिया आपको ऑलरेडी बताई दिया गया होगा, एरिया 1200 स्क्वायर फीट है, कंस्ट्रक्टेड एरिया इसका अप्रॉक्स है 24 स्क्वायर फीट से कंस्ट्रक्टेड एरिया है। सामने से ही हमें रूफ की एंट्री बताया था, इस रूम को हम यहीं पे खड़े थे, यहीं से अटैच होती है, दोनों साइड से ये रूम अटैच करती जहाँ पर हम खड़े थे। साथ में यहाँ पर जो स्टेयर्स दी गई हैं, यहाँ पे साइड स्टेयर्स इंटरनल स्टेयर्स यूज़ की गई हैं, ये भी बहुत कम घर में मिलते हैं, ये स्टेयर्स घर के अंदर ही हों, तो इसमें स्टेयर्स आपको घर के अंदर ही मिलती है, आप देख सकते हैं स्टील की रेलिंग है हमें प्रॉपर। हम आगे बढ़ें तो हमें काफ़ी लंबा चौड़ा छत मिलता है। नियरस्ट लोकेशन में क्या कैसा है साहू जी ने बताया भी होगा, अगर नहीं बताया तो एट एंड हम उसको कवर करेंगे। काफ़ी अच्छा खासा छत है,
बुमटी उमटी सब मिला के 24 से 25 स्क्वायर फीट इसका कंस्ट्रक्टेड एरिया होने वाला है। आप देख सकते हैं इधर हमें अच्छा खासा स्पेस मिलता है, प्रॉपर राउंड छत है। तो ये चलते हैं, बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है, तो हम ज़्यादा देर तक छत पे स्पेंड नहीं करेंगे, तो चलिए नीचे चलते हैं, देखते हैं और हमें क्या क्या मिलेगा और क्या ऑफर्स स्क्वायर फीट लाइफ आपको दे रहा है। तो अब हम आ चुके हैं नीचे, मुझे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है, मैंने एक चीज़ थोड़ी गलत बोल दी सर जी, ऊपर 1200 नहीं 1157 स्क्वायर फीट के आसपास आपको लैंड एरिया मिलता है, कंस्ट्रक्टेड एरिया 24 स्क्वायर फीट नेट होने वाला है जी। तो सर यहाँ पे हमारी तरफ से क्या डील मिलेगा कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है हमसे तो? जी अगर हमारी तरफ से परचेज करते हैं तो सीसीटीवी सेटअप प्लस आपका स्मार्ट टीवी दोनों में एक ऑप्शन रहेगा, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। साथ में मैं एक चीज आपको बता दूं कि अगर आप ये जो एरिया है ये 2400 स्क्वायर फीट का है, अगर आप इससे भी कम का चाहते हैं या किसी और लोकेशन पर चाहते हैं तो सेम जिनका प्रोजेक्ट है उनका यहाँ जानकीपुरम एक्सटेंशन में भी चल रहा है, जानकीपुरम से थोड़ा सा आगे भी सेम प्रोजेक्ट है जिसकी आपकी स्टार्टिंग है 800 स्क्वायर फीट का है, 800 स्क्वायर फीट से स्टार्टिंग आपके वहां पर भी आपको मिल जाएंगे, इससे भी ज्यादा अगर आप चाहते हैं। सुल्तानपुर रोड पे भी जी, सेम प्रोजेक्ट का आपको सुल्तानपुर गोसाईगंज सेम मिल जाएगा। साथ में मैं ये कहूंगी कि जैसा इंटीरियर आप इस घर का देख रहे हैं सेम वैसा इंटीरियर आपको बाकी भी घर का मिल जाने वाला है, बस थोड़ा बहुत साइज के हिसाब से डायमेंशन चेंज हो जाएगी जी, रूम्स कम ज्यादा हो जाते हैं बट इंटीरियर ऑलमोस्ट आपको सेम हो, ऐसी अच्छी आपको इंटीरियर मिलेगी इस प्रॉपर्टी के साथ करें तो। और फिर अगर यहाँ पे प्राइसिंग में तो प्राइसिंग क्या होगी, इस घर की प्राइसिंग आपकी 73 लाख होने वाली है जो कि आई थिंक प्रॉपर्टी के हिसाब से काफी डिसेंट है। साथ में एलआईसी से आपकी लोनिंग भी अवेलेबल है, एलआईसी या बाकी जितने भी बैंक में जाएंगे उनसे आपकी लोनिंग अवेलेबल हो जाएगी, नगर निगम अप्रूव्ड होने वाली है प्रॉपर्टी। अब मैं एक और चीज मेंशन कर दूं कि अगर आप इससे भी कम का लेना चाहते हैं जैसे कि हमने बताया 800 स्क्वायर फीट का तो उसकी स्टार्टिंग प्राइसिंग आपकी 50 लाख से होने वाली है सेम इंटीरियर के साथ। हाँ तो आप चाहे तो आप छोटी प्रॉपर्टीज़ पे भी जा सकते हैं, अगर आपकी फैमिली छोटी प्रॉपर्टी सूटेबल है तो आप छोटी प्रॉपर्टीज़ को लेके आगे लीड कर सकते हैं। तो और कुछ आप बताना चाहेंगे और कुछ इंक्लूड सुनाना जी, अगर आपको किसी प्रकार की क्वायरी है कोई डाउट है आपके दिमाग में तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर रहेगा, वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक रहता है, आप उस पर क्लिक करिए डायरेक्ट आप हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं, आपको कॉल या कुछ और करने की जरूरत नहीं, व्हाट्सएप लिंक पे आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप डाइवर्ट हो जाएंगे व्हाट्सएप पे, तब उसको भी यूज कर इस प्रॉपर्टी में कोई करे तो पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय सारा, बेटी।